विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में आज दो चर रैखिक समीकरण का पहला वीडियो है, इसमें आपको बताएंगे कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनके सवाल कैसे बनेंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं आज। ये दो चर रैखिक समीकरण के पहले वीडियो में समझते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चर का मतलब होगा, चर तो आप जानते हैं, ए से जेड के बीच का कोई फंक्शन होगा तो क्या होगा आपका, चर कहलाएगा। या छोटा आ से ज्ञा तक का कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है आपका, चर होता है। ये दोनों आपके चर में आते हैं। अब चर में भी आपका क्या कह दिया है, जो आपका अभ्यास का नाम है वो क्या है, दो चर रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण में यानी कि आपका एक चर तो x हो गया, दूसरा क्या होगा वाई हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, दो चर हो गए। तो ये दो चर होगा। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब हो गया आपका जैसे कोई भी चर लिखा हो और उसकी मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अगर घात एक है मैक्सिमम और आपका एक चर है तो उसे कहेंगे एक चर रैखिक समीकरण। अब जैसे आपका ये दो चर है, दोनों की मैक्सिमम घात आपका वन वन है, तो इसे क्या कहेंगे, दो चर रैखिक समीकरण। तो इसलिए आपका जो अभ्यास का नाम है दो चर रैखिक समीकरण, तो यहीं से आपका बना है। अब आप दो चर रैखिक समीकरण टॉपिक में जो पढ़ेंगे तो आपको हमेशा दो चर मिलेंगे, या एक्स वाई या ए बी करके ऐसे कुछ मिलेंगे, और उनकी मैक्सिमम घात जो होगी वन होगी। तो वन घात का मतलब दर्शाता है रैखिक, और चर जो दो आते हैं तो उसे कहा जाता है दो चर। तो यही आपका अभ्यास है कि दो चर रैखिक समीकरण। अब इनमें दो चर रैखिक समीकरण होगा तो अब इनमें आपका दो इक्वेशन होंगे, यानी दो समीकरण लिखे जाएंगे इस प्रकार से। अगर दो समीकरण है तो उनका क्या व्यवहार होगा, किस प्रकार से होगा। अगर आपका समीकरण होगा किसी रेखा का, अगर ये रेखा का समीकरण है तो हमें ये भी जानना होगा कि वो रेखा कहीं ना कहीं से गुजरेगी, तो उस रेखा को कैसे खींचेंगे, कि इस समीकरण की रेखा जो होगी वो किस क्षेत्र से गुजरने वाली है। तो इन्हीं सब को जानने का यहाँ पे थोड़ा प्रयास करते हैं। तो जो दो चर रैखिक समीकरण होता है, अगर इसमें दो समीकरण है तो उनमें रेखाएं कैसे व्यवहार करेंगी। अगर दो समीकरण है तो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं क्या व्यवहार आपस में कर सकती हैं, तो इन्हें समझते हैं। या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा अगर ऐसी गई है तो दूसरी रेखा ऐसे काट सकती है, तो ये कहलाता है आपका क्या, प्रतिच्छेद। और दूसरा जो होगा, रेखाएं या तो आपका क्या होगी, दोनों समान यहाँ पे समपाती हो सकती हैं। जैसे एक रेखा ऐसे गई है तो इसी रेखा पर क्या होगा, एक दूसरी रेखा ऐसे फिर से चली जाए तो इसे क्या कहते हैं, समपाती। समपाती तो दूसरा टाइप हो गया। अब पता लग कोई रेखा ऐसे खींची गई इस पे दूसरी रेखा चली जाए, खींच देते हैं, तो ये आपका संपाती होगा। अगर ये कोई रेखा खींची है इसको दूसरी रेखा काट जाए तो ये क्या कहलाता है, प्रच्छेद कहलाएगा। और जो तीसरी बात है तो वो क्या है आपका, अगर कोई रेखा खींची होगी, हो सकता है ये इस बार प्रच्छेद ना करे, ना ही संपाती जाए, बल्कि इसके क्या हो जाए, समांतर चली जाए, सेम डिस्टेंस से, तो इसे कहेंगे क्या होगा, समांतर। अगर दो रेखाएं होंगी तो यह तीन से चौथा व्यवहार आपस में नहीं कर सकती है, या तो प्रच्छेद करेगा, या संपाती होगा, या समांतर होगा। तो प्रच्छेद का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे को काट जाना, प्रच्छेद कहलाता है। संपाती का मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, यानी उसके ऊपर से ही गुजर जाए, तो संपाती कहलाता है। समांतर का मतलब ऐसी दो रेखा जो एक दूसरे को क्या है, कहीं ना काटे ना तो टच करे, तो समांतर कहलाता है। अब ये आपका तीन व्यवहार होंगे। जब प्रच्छेद करता है तो एक आद्विति मान प्राप्त होता है। अगर दो रेखा के समीकरण है, अगर उनके एक अच्छी वैल्यू आपका मिलती है, प्राप्त होती है, तो समझ जाइएगा कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। अगर ढेर सारे आंसर मिलने लगे तो समझ जाइएगा कि वो क्या कर रहा है, संपाती कर रहा है, ओवरलैपिंग करके चल रहा है उसी पर से। और अगर उसका कोई आंसर ना प्राप्त हो हमें तो क्या कहलाता है, आपका समांतर हो जाता है। तो ये तीन टॉपिक है यहाँ पे। अब इनको हम समझते हैं कि ये और क्या चीजें हैं इसमें। तो इनका जो आगे की बात करते हैं, अगर दो समीकरण है तो इनमें आपको हम देखेंगे एक संबंध a1/a2 इक्वल आपका b1/b2 इक्वल c1/c2।
आइए, अगर नॉट इक्वल हो जाए, अगर ऐसी शर्तों को लागू करता है तो समझ जाइएगा कि क्या करता है आपका, प्रतिच्छेद करेगा। अगर इसके अलावा हम समझते हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अगर ये सभी आपस में बराबर हो जाए तो क्या करता है आपका, संपाती होता है। अगर आपका इसी में देखेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, अगर ऐसा दिखाता है तो क्या करेगा, समांतर होगा। तो इस कंडीशन में समांतर होगा। तो ये तीन रूल है, तो इनमें आपका अगर पूछेगा, अगर आपको दो समीकरण दे दिया जाए इस प्रकार से, जैसे यहाँ दो समीकरण दिए लिखे गए हैं, अब ये आपको पता करना है कि इनसे जो रेखाएं खींची जाएंगी वो इन तीनों में से कौन सा व्यवहार करेगी, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो इससे तुलना करके ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, तो इसमें सभी चीज a1 के रूप में मानते हैं, x प्लस 3y बराबर आपका 6 है, तो इससे हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना होगा 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा, इनसे निकल गया ये। और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12, इनसे तुलना करेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3, और c2 बराबर कितना हो गया 12। अब ये चीजें प्राप्त हो गई, अब हम इनको इस रूप में रख लेते हैं, रखेंगे a1 का मतलब 1 अपॉन 2 बराबर 3 बटे माइनस 3 यहाँ पे, और यहाँ आगे लिखेंगे 6/12। तो हम पहले प्रतिबंध से समझते हैं, पहले प्रतिबंध से समझने का मतलब क्या, ये दोनों इक्वल है तो ये तो आपका कटकर माइनस वन आ जाएगा, ये 1/2 रहेगा, तो यही नॉट इक्वल है। यही जब नॉट इक्वल है तो ये बराबर हो चाहे ना हो इससे कोई मतलब नहीं, तो ये आपका क्या दर्शाने लगा, पहले वाले को, पहला वाला क्या करता है प्रच्छेद, तो ये क्या करने लगेंगे, प्रच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं बिना ग्राफ खींचे बता देंगे कि ये दोनों की जो रेखाएं खींची जाएंगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, जैसे हम यहाँ पर दिखाए थे इस प्रकार से, तो ऐसे ये काट देंगे। तो ये चीज हम पहले से भी पता कर सकते हैं इन पर रख करके, तो इन पे हम सवाल आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे सवाल लगेंगे, इस चीज का डिस्कस करेंगे आगे। तो फिर यहाँ पर देखते हैं, और एक चीज कहता है ये समांती प्रच्छेद समांतर जो होता है, इनमें आपका अगर संपाति होगा या समांतर संपाति या प्रच्छेद करेगा तो ये कहलाएगा आपका क्या, संगत, ये आपके संगत होंगे। अगर आपका समांतर होने लगे तो इसे कहा जाता है असंगत। इतनी सी बात है, तो इतनी ही चीजें हैं जो इस टॉपिक में पूरा आपको पढ़ना है। तो अब आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस पर सवाल लगाए जाने हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज के वीडियो में एक चीज यहाँ पर देखते हैं, ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास दो समीकरण है, एक है आपका x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर में 12। अब अगर आपको कहा जाए कि इनसे हम ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार से खींचेंगे, तो आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कार्तीय तल, तो कार्तीय तल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय तल की हेल्प से ही हम लोग इनको खींचेंगे, रेखाएं कहाँ से गुजरेंगी। तो उससे पहले हमें बिंदु पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगर रेखा खींचना हो तो एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो एक रेखा को खींचने के लिए क्या होगा, दो बिंदु चाहिए हमको। अब एक बिंदु मिल गया तो एक बिंदु से ये नहीं फिक्स हो पाता है कि रेखाएं किधर से खींची जाएंगी। अब पता लगा इधर से भी खींच सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ, कहीं से भी खींच दो। यानी कहने का मतलब एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जाती हैं, इसलिए हम एक बिंदु से आपका क्या होगा, एक बिंदु से एक रेखा नहीं खींच पाएंगे, तो हमें चाहिए कितना, दो बिंदुओं। दो बिंदुओं का मतलब एक बिंदु यहाँ पर हो, दूसरा यहाँ पर हो। अब हम आपसे कहेंगे कि रेखा खींचना है तो इसको इससे मिला दो, तो ये क्या हो गया, हमारी एक रेखा हो गई। तो हमें पता चलता है कि कोई भी अगर हमें एक रेखा खींचना है तो दो बिंदुओं की जरूरत होती है।
अगर हमें क्या होगा, बिंदु में खींचना है तो बिंदु में चाहिए, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद इनमें क्या करेंगे, एक को एक्स और दूसरे को वाई मानते हैं अपनी तरफ से। एक बार एक्स बराबर जीरो मानेंगे तो समझते हैं वाई का मान क्या प्राप्त होगा। तो x बराबर जीरो मान लेंगे तो यहाँ x जीरो हो गया, तो y का मान कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर जीरो मान लिए, प्लस में 3y बराबर क्या हो गया 6, 3 से 6 को काटेंगे 2, तो ये आ गया। अब दूसरा बिंदु के लिए क्या करेंगे, इस बार y बराबर जीरो मान लो, एक बार x माने थे जीरो, इस बार y को जीरो मान लेंगे। अगर y बराबर जीरो हो गया तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर क्या हो गया, y जीरो, तो ये पूरा इतना जीरो हो गया, तो बचा कितना 6, तो x बराबर 6। तो इस जो समीकरण है इससे दो बिंदु में पता हो गई, तो हम पता कर इसका रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अभी ये दूसरा जो समीकरण है इसकी बात करेंगे, तो इसमें भी वही चीज करना पड़ेगा हमको। तो x और y, इसमें x बराबर भी जीरो मानेंगे, हर बार ऐसे ही कुछ करते हैं कि x बराबर जीरो मानेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, x बराबर जीरो तो y का मान कितना हो गया -4। अगर आपको हल करना है तो पहला पार्ट जीरो हो गया, x को जीरो माने -3y बराबर 12, इससे इसको काटेंगे तो y बराबर क्या हो गया -4, तो इसलिए आपका ये प्राप्त होता है। और इस अगली बार क्या करना है, y को जीरो मान लीजिए, जब y जीरो हो गया तो बचा कितना 2x बराबर 12, तो काटेंगे तो क्या आ गया 6 आ गया। तो इस प्रकार से दोनों बिंदु रेखाओं के समीकरण से दो दो बिंदु ज्ञात हो गई। अब हमको ग्राफ जो खींचना है, तो ग्राफ में क्या करना है, आप एक कार्तीय तल खींच लीजिए, ऐसे खींचते हैं इसको, एक तरफ वाई वाई डैश और आपका एक्स डैश एक्स मानते हैं। अब ये वाला एरिया माइनस होता है, नीचे का ये डैश वाले एरिया माइनस होते हैं, और आपका ऊपर का ये प्लस होगा, ये प्लस, इसे क्या कहते हैं कोटि कहेंगे, और इसे क्या कहते हैं भुज कहते हैं। ये चीजें आप 9 में भी पढ़ चुके होंगे, और इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बिंदु कहाँ स्थायी होंगे इसमें, तो उसी की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम बिंदु कहाँ कितना है इन दोनों में देख लेते हैं। तो मैक्सिमम बिंदु 6 है, तो हम यहाँ 6 से कम तो लेना ही नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर होगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस प्रकार से हम क्या होता है यहाँ पे बना देते हैं ग्राफ। अब हम अगर आपसे पूछे कि 0,2 कहाँ स्थायी होगा, 0,2 बिंदु इस ग्राफ में कहाँ स्थायी होगा, तो समझते हैं इसमें x 0 है तो y पर स्थायी होगा, क्योंकि y की वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू होते हुए भी ये प्लस में है, क्योंकि y का 2 मान मिलेगा, नीचे भी 2 मिलेगा, ऊपर भी 2 मिलेगा, तो ये होगा कहाँ, तो प्लस है, तो ऊपर क्या होता है प्लस होता है। तो हमें एक चीज की जानकारी मिलती है कि जो ये बिंदु होगा 0,2, तो 0,2 क्या होगा, ऊपर के क्षेत्र में y के स्थायी हो गया। अब जो दूसरा है हमारा 6,0, तो 6,0 कहाँ स्थायी होगा, तो इस बार y 0 है, x की वैल्यू है, तो 6 कहाँ, यहाँ पर है, तो 6,0 यहाँ स्थायी होगा। अब आपको बताया दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, तो इसको क्या होगा, यहाँ से ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये समीकरण था हमारा x प्लस 3y बराबर 6, तो उसकी रेखा ऐसे होकर जाएगी। अब दूसरा जो ये इसका कहाँ से गुजरेगा, तो इसमें देखेंगे तो 0,-4, अब 0,-4 कहाँ स्थायी होगा, तो x 0 है, y की वैल्यू है, तो y के क्षेत्र में माइनस के 4 इकाई पर यहाँ पर स्थायी हो जाएगा। तो ये एक बिंदु यहाँ हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा इसका भी आपका वही है 6,0, तो इसके भी आपके दूसरा वाला यही स्थायी होगा, तो इसको भी यहाँ से मैच करा दूं,
जब मैथ कराएंगे तो जो ये समीकरण है इसकी जो रेखा खींची जाएगी तो आपका क्या होगा, ये इस प्रकार से जाएगी, ये इस प्रकार से जाएगी। इसके पहले हम आपको इसी को सॉल्व करके बताए थे कि दोनों क्या करेंगे, प्रच्छेद करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो यहीं पर दोनों क्या कर रहे हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं। तो जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वही इन दोनों का मान हो जाता है। तो यहाँ हम आप ऐसे कह सकते हैं x बराबर 6 आएगा, y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसके आंसर भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या होता है ग्राफ खींच सकते हैं किसी भी प्रकार का। अगर आपके पास दो समीकरण हो या तीन समीकरण हो तो ऐसे ग्राफ खींचे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आज कुछ बेसिक चीज़ें की इसमें चर्चा किए थे, तो आज आपका ये एक ही क्वेश्चन हो पाया। अगले वीडियो में हम आपको केवल क्वेश्चन ही कराएंगे इन टॉपिकों पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127-1484-33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में आज दो चर रैखिक समीकरण का पहला वीडियो है, इसमें आपको बताएंगे कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनके सवाल कैसे बनेंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं आज। ये दो चर रैखिक समीकरण के पहले वीडियो में समझते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर का मतलब होगा, चर तो आप जानते हैं, ए से जेड के बीच का कोई फंक्शन होगा तो क्या होगा आपका, चर कहलाएगा। या छोटा से ज्ञात तक का कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है आपका, चर होता है। ये दोनों आपके चर में आते हैं। अब चर में भी आपका क्या कह दिया है, जो आपका अभ्यास का नाम है वो क्या है, दो चर रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण में यानी कि आपका एक चर तो x हो गया, दूसरा क्या होगा वाई हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, दो चर हो गए। तो ये दो चर होगा, रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब हो गया आपका जैसे कोई भी चर लिखा हो और उसकी मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर घात 1 है मैक्सिमम और आपका एक चर है तो उसे कहेंगे एक चर रैखिक समीकरण। अब जैसे आपका ये दो चर है, दोनों की मैक्सिमम घात आपका 1-1 है, तो इसे क्या कहेंगे, दो चर रैखिक समीकरण। तो इसलिए आपका जो अभ्यास का नाम है दो चर रैखिक समीकरण, तो यहीं से आपका बना है। अब आप दो चर रैखिक समीकरण टॉपिक में जो पढ़ेंगे तो आपको हमेशा दो चर मिलेंगे, या एक्स वाई या ए बी करके ऐसे कुछ मिलेंगे, और उनकी मैक्सिमम घात जो होगी 1 होगी। तो 1 घात का मतलब दर्शाता है रैखिक, और चर जो दो आते हैं तो उसे कहा जाता है दो चर। तो यही आपका अभ्यास है कि दो चर रैखिक समीकरण। अब इनमें दो चर रैखिक समीकरण होगा तो अब इनमें आपका दो इक्वेशन होंगे, यानी दो समीकरण लिखे जाएंगे इस प्रकार से। अगर दो समीकरण है तो उनका क्या व्यवहार होगा, किस प्रकार से होगा। अगर आपका समीकरण होगा किसी रेखा का, अगर ये रेखा का समीकरण है तो हमें यह भी जानना होगा कि वो रेखा कहीं ना कहीं से गुजरेगी, तो उस रेखा को कैसे खींचेंगे, कि इस समीकरण की रेखा जो होगी वो किस क्षेत्र से गुजरने वाली है। तो इन्हीं सब को जानने का यहाँ पे थोड़ा प्रयास करते हैं। तो जो दो चर रैखिक समीकरण होता है, अगर इसमें दो समीकरण है तो उनमें रेखाएं कैसे व्यवहार करेंगी। अगर दो समीकरण है तो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं क्या व्यवहार आपस में कर सकती हैं, तो इन्हें समझते हैं। या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा अगर ऐसी गई है तो दूसरी रेखा ऐसे काट सकती है, तो ये कहलाता है आपका क्या, प्रतिच्छेद। और दूसरा जो होगा, रेखाएं या तो आपका क्या होगी, दोनों समान यहाँ पे संपाती हो सकती हैं। जैसे एक रेखा ऐसे गई है तो इसी रेखा पर क्या होगा, एक दूसरी रेखा ऐसे फिर से चली जाए तो इसे क्या कहते हैं, संपाती, संपाती। तो दूसरा टाइप हो गया। अब पता लग कोई रेखा ऐसे खींची गई इस पे दूसरी रेखा चली जाए, खींच देते हैं, तो ये आपका संपाती होगा। अगर ये कोई रेखा खींची है इसको दूसरी रेखा काट जाए तो ये क्या कहलाता है, प्रच्छेद कहलाएगा। और जो तीसरी बात है तो वो क्या है आपका, अगर कोई रेखा खींची होगी, हो सकता है ये इस बार प्रच्छेद ना करे, ना ही संपाती जाए, बल्कि इसके क्या हो जाए, समांतर चली जाए, सेम डिस्टेंस से, तो इसे कहेंगे क्या होगा, समांतर। अगर दो रेखाएं होंगी तो यह तीन से चौथा व्यवहार आपस में नहीं कर सकती है, या तो प्रच्छेद करेगा, या संपाती होगा, या समांतर होगा। तो प्रच्छेद का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे को काट जाना प्रच्छेद कहलाता है।
समपाती का मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, यानी उसके ऊपर से ही गुजर जाए तो समपाती कहलाता है। समांतर का मतलब ऐसी दो रेखा जो एक दूसरे को क्या है, कहीं ना काटे ना तो टच करें, तो समांतर कहलाता है। अब ये आपका तीन व्यवहार होंगे। जब प्रच्छेद करता है तो एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है। अगर दो रेखा के समीकरण है, अगर उनके एक अच्छी वैल्यू आपका मिलती है, प्राप्त होती है, तो समझ जाइएगा कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। अगर ढेर सारे आंसर मिलने लगे तो समझ जाइएगा कि वो क्या कर रहा है, संपाती कर रहा है, ओवरलैपिंग करके चल रहा है उसी पर से। और अगर उसका कोई आंसर ना प्राप्त हुआ हमें तो क्या कहलाता है, आपका समांतर हो जाता है। तो ये तीन टॉपिक है यहाँ पे। अब इनको हम समझते हैं कि ये और क्या चीजें हैं इसमें। तो इनका जो आगे की बात करते हैं, अगर दो समीकरण है तो इनमें आपको हम देखेंगे एक संबंध A1/A2 = आपका B1/B2 = C1/C2। आइए, अगर नॉट इक्वल हो जाए, अगर ऐसी शर्तों को लागू करता है तो समझ जाइएगा कि क्या करता है, आपका प्रतिच्छेद करेगा। अगर इसके अलावा हम समझते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर ये सभी आपस में बराबर हो जाए तो क्या करता है, आपका संपाती होता है। अगर आपका इसी में देखेंगे A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, अगर ऐसा दिखाता है तो क्या करेगा, समांतर होगा। तो इस कंडीशन में समांतर होगा। तो ये तीन रूल हैं। तो इनमें आपका अगर पूछेगा, अगर आपके दो समीकरण दे दिया जाए इस प्रकार से, जैसे यहाँ दो समीकरण दिए लिखे गए हैं, अब ये आपको पता करना है कि इनसे जो रेखाएं खींची जाएंगी वो इन तीनों में से कौन सा व्यवहार करेगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो इससे तुलना करके ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, तो इसमें सभी चीज A1 के रूप में मानते हैं, x + 3y = आपका 6 है। तो इससे हम तुलना करेंगे तो A1 = कितना होगा, 1, B1 = 3, C1 = कितना होगा, 6 हो जाएगा, इनसे निकल गया ये। और दूसरा है 2x - 3y = 12, इनसे तुलना करेंगे A2 = 2, B2 = कितना हो जाएगा, -3, और C2 = कितना हो गया, 12। अब ये चीजें प्राप्त हो गई, अब हम इनको इस रूप में रख लेते हैं। रखेंगे A1 का मतलब 1/2 = 3/-3 यहाँ पे, और यहाँ आगे लिखेंगे 6/12। तो हम पहले प्रतिबंध से समझते हैं। पहले प्रतिबंध से समझने का मतलब, क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये तो आपका कटकर -1 आ जाएगा, ये 1/2 रहेगा, तो यही नॉट इक्वल है। यही जब नॉट इक्वल है तो ये बराबर हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये आपका क्या दर्शाने लगा, पहले वाले को, पहला वाला क्या करता है, प्रच्छेद। तो ये क्या करने लगेंगे, प्रच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं बिना ग्राफ खींचे बता देंगे कि ये दोनों की जो रेखाएं खींची जाएंगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, जैसे हम यहाँ पर दिखाए थे इस प्रकार से, तो ऐसे ये काट देंगे। तो ये चीज हम पहले से भी पता कर सकते हैं इन पर रख करके। तो इन पे हम सवाल आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे सवाल लगेंगे, इस चीज का डिस्कस करेंगे आगे। तो फिर यहाँ पर देखते हैं, और एक चीज कहता है, ये समांती प्रच्छेद समांतर जो होता है, इनमें आपका अगर संपाती होगा या समांतर संपाती या प्रच्छेद करेगा तो ये कहलाएगा आपका क्या, संगत। ये आपके संगत होंगे। अगर आपका समांतर होने लगे तो इसे कहा जाता है असंगत। इतनी सी बात है। तो इतनी ही चीजें हैं जो इस टॉपिक में पूरा आपको पढ़ना है। तो अब आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस पर सवाल लगाए जाने हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज के वीडियो में एक चीज यहाँ पर देखते हैं, ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास दो समीकरण हैं, एक है आपका
x+3y बराबर 6 और दूसरा है 2x-3y बराबर में 12। अब अगर आपको कहा जाए कि इनसे हम ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार से खींचेंगे, तो आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कार्तीय तल। तो कार्तीय तल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय तल की हेल्प से ही हम लोग इनको खींचेंगे, रेखाएं कहाँ से गुजरेंगी। तो उससे पहले हमें बिंदु पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगर रेखा खींचना हो तो एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो एक रेखा को खींचने के लिए क्या होगा, दो बिंदु चाहिए हमको। अब एक बिंदु मिल गया तो एक बिंदु से ये नहीं फिक्स हो पाता है कि रेखाएं किधर से खींची जाएंगी। अब पता लगा इधर से भी खींच सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ कहीं से भी खींच दो। यानी कहने का मतलब एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जाती हैं, इसलिए हम एक बिंदु से आपका क्या होगा, एक बिंदु से एक रेखा नहीं खींच पाएंगे। तो हमें चाहिए कितना, दो बिंदु। दो बिंदुओं का मतलब एक बिंदु यहाँ पर हो, दूसरा यहाँ पर हो। अब हम आपसे कहेंगे कि रेखा खींचना है तो इसको इससे मिला दो, तो ये क्या हो गया, हमारी एक रेखा हो गई। तो हमें पता चलता है कि कोई भी अगर हमें एक रेखा खींचना है तो दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो अगर हमें क्या होगा, बिंदु में खींचना है तो बिंदु में चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद इनमें क्या करेंगे, एक को एक्स और दूसरे को वाई मानते हैं। अपनी तरफ से एक बार x बराबर 0 मानेंगे तो समझते हैं y का मान क्या प्राप्त होगा। तो x बराबर 0 मान लेंगे तो यहाँ x 0 हो गया, तो y का मान कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 मान लिए, प्लस में 3y बराबर क्या हो गया 6, 3 से 6 को काटेंगे 2, तो ये आ गया। अब दूसरा बिंदु के लिए क्या करेंगे, इस बार y बराबर 0 मान लो, एक बार x माने थे 0, इस बार y को 0 मान लेंगे। अगर y बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर क्या हो गया, y 0, तो ये पूरा इतना 0 हो गया, तो बचा कितना 6, तो x बराबर 6। तो इस जो समीकरण है इससे दो बिंदु में पता हो गई, तो हम पता कर इसका रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अभी ये दूसरा जो समीकरण है इसकी बात करेंगे तो इसमें भी वही चीज करना पड़ेगा हमको। तो x और y, इसमें x बराबर भी 0 मानेंगे, हर बार ऐसे ही कुछ करते हैं कि x बराबर 0 मानेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, x बराबर 0 तो y का मान कितना हो गया, माइनस में 4। अगर आपको हल करना है तो पहला पार्ट 0 हो गया, x को 0 माने, माइनस 3y बराबर 12, इससे इसको काटेंगे तो y बराबर क्या हो गया, माइनस 4, तो इसलिए आपका ये प्राप्त होता है। और इस अगली बार क्या करना है, y को 0 मान लीजिए, जब y 0 हो गया तो बचा कितना, 2x बराबर 12, तो काटेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार से दोनों बिंदु रेखाओं के समीकरण से दो दो बिंदु ज्ञात हो गई। अब हमको ग्राफ जो खींचना है तो ग्राफ में क्या करना है, आप एक कार्तीय तल खींच लीजिए, ऐसे खींचते हैं इसको, एक तरफ वाई वाई डैश और आपका एक्स डैश एक्स मानते हैं। अब ये वाला एरिया माइनस होता है, नीचे का ये डैश वाले एरिया माइनस होते हैं, और आपका ऊपर का ये प्लस होगा, ये प्लस, इसे क्या कहते हैं, कोटि कहेंगे, और इसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये चीजें आप 9 में भी पढ़ चुके होंगे, और इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बिंदु कहाँ स्थायी होंगे इसमें, तो उसी की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम बिंदु कहाँ कितना है इन दोनों में देख लेते हैं। तो मैक्सिमम बिंदु 6 है, तो हम यहाँ 6 से कम तो लेना ही नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर होगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस प्रकार से हम क्या होता है, यहाँ पे बना देते हैं ग्राफ। अब हम अगर आपसे पूछे कि 0,2 कहाँ स्थायी होगा, 0,2 बिंदु इस ग्राफ में कहाँ स्थायी होगा, तो समझते हैं इसमें x 0 है तो y पर स्थायी होगा, क्योंकि y की वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू होते हुए भी ये प्लस में है,
क्योंकि वाई का 2 मार्क मिलेगा, नीचे भी 2 मिलेगा, ऊपर भी 2 मिलेगा, तो ये होगा कहाँ? तो प्लस है, तो ऊपर क्या होता है? प्लस होता है, तो हमें एक चीज की जानकारी मिलती है कि जो ये बिंदु होगा 0,2, तो 0,2 क्या होगा? ऊपर के क्षेत्र में वाई के स्थाई हो गया। अब जो दूसरा है हमारा 6,0, तो 6,0 कहाँ स्थाई होगा? तो इस बार वाई 0 है, एक्स की वैल्यू है, तो 6 कहाँ है? यहाँ पर है, तो 6,0 यहाँ स्थाई होगा। अब आपको बताया दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, तो इसको क्या होगा? यहाँ से ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये समीकरण था हमारा x+3y=6, तो उसकी रेखा ऐसे होकर जाएगी। अब दूसरा जो ये इसका कहाँ से गुजरेगा, तो इसमें देखेंगे तो 0,-4, अब 0,-4 कहाँ स्थाई होगा? तो x 0 है, y की वैल्यू है, तो y के क्षेत्र में -4 इकाई पर यहाँ पर स्थाई हो जाएगा। तो ये एक बिंदु यहाँ हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा इसका भी आपका वही है 6,0, तो इसके भी आपके दूसरा वाला यही स्थाई होगा, तो इसको भी यहाँ से मैच करा दो। जब मैच कराएंगे तो जो ये समीकरण है इसकी जो रेखा खींची जाएगी तो आपका क्या होगा? ये इस प्रकार से जाएगी, ये इस प्रकार से जाएगी। इसके पहले हम आपको इसी को सॉल्व करके बताए थे कि दोनों क्या करेंगे? प्रच्छेद करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो यहीं पर दोनों क्या कर रहे हैं? प्रच्छेद कर रहे हैं। तो जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वही इन दोनों का मान हो जाता है। तो यहाँ हम आप ऐसे कह सकते हैं x=6 आएगा, y=0 होगा, तो ये इसके आंसर भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या होता है ग्राफ खींच सकते हैं किसी भी प्रकार का। अगर आपके पास 2 समीकरण हो या 3 समीकरण हो तो ऐसे ग्राफ खींचे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। आज कुछ बेसिक चीजें की इसमें चर्चा किए थे, तो आज आपका ये एक ही क्वेश्चन हो पाया। अगले वीडियो में हम आपको केवल क्वेश्चन ही कराएंगे इन टॉपिक के ऊपर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127-1484-33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।